Hello friends, how are you? I hope that you are well, you are okay, you are fine. So I am Sandeep Kumar Vaish here again with you. और आज का टॉपिक कुछ नया है आपके लिए, कुछ सीखने के लिए है. आज जो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट फ्रेंड्स. सो आज हम इस प्रोवर्ब पर एक अच्छा सा डिस्कशन करेंगे कि ये प्रोवर्ब किस लिए बोली जाती है और इसका रीज़न क्या है, राइट फ्रेंड्स. सो ऐसा कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव एफर्ट्स, अगर आप कंसिस्टेंटली और इफेक्टिव एफर्ट्स के साथ अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने एम को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफलता मिलती है. कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव एफर्ट्स लीड्स टू सक्सेस, राइट. सो इसके लिए क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको प्रूव करते हैं इस बात को, तो आज हम थोड़ा इस पर एनालिसिस करते हैं. सो आइए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, हम इस पर डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट डू डीप एनालिसिस ऑफ योर टारगेट आर एम. कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम अपने एक लक्ष्य को बनाते हैं, एक अपने जो हमारा उद्देश्य होता है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं, अच्छे से उसके बारे में सोचते नहीं हैं. और इसका परिणाम क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि यू विल नॉट बी कैपेबल टू अचीव सक्सेस, राइट. आपको सफलता नहीं मिल पाती है और हम अपने आप में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं. सो फ्रेंड्स, पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो भी एम है आपका है, उसके बारे में डीप एनालिसिस करिए और उसके बाद आगे बढ़िए. ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप डीप एनालिसिस कर लेंगे तो उसके इफ़, एल्स, बट, वॉट, why, how, these are the questions ask with yourself, कि आप उस aim की तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं, why and what, क्या क्या reasons हैं इसके लिए, and how, आप किस तरह बढ़ेंगे. तो ये जितने भी question marks हैं, अगर आप इन पर work करते हैं honestly, so कहीं ना कहीं आपका mind आप अच्छे से मेकअप हो जाएगा कि हम इस लक्ष्य के लिए अगर बढ़ रहे हैं आगे, तो उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है, एक लॉजिकल रीज़न है. और अगर लॉजिक आपके दिमाग में एक बार अच्छे से बैठ गया, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स. सो आप एक अच्छी डीप एनालिसिस करिए किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ने से पहले. एक अच्छा एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी. जब आपका लक्ष्य डिसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी. आपको एक अच्छी सी रणनीति बनानी होती है, प्लानिंग करना होता है, स्ट्रेटजी बनानी होती है, जिसके बेस पर आपको आगे कंसिस्टेंटली चलना होता है. अदरवाइज क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हम कोई भी एम अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं. और उसका रीज़न ये होता है कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हमारी अच्छी नहीं होती है. अगर प्लानिंग हमने अच्छे से कर ली है, हो सकता है कि जो चीज़ें आपने नहीं एक्सपेक्ट किया है लक्ष्य को प्राप्त करते समय, उन सब कठिनाइयों से आपको दो दो हाथ होना पड़े. सो फ्रेंड्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है कि आपको अर्निंग के लिए छोटी छोटी नौकरियां भी करनी पड़े, छोटे छोटे जॉब्स करने पड़े, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, आपको माइंड मेकअप करके चलना होगा. क्योंकि अगर आपका एम बड़ा है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है. माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. सो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स. और बहुत ही कहने का मतलब है, बहुत एक्सपीरियंस्ड, दूसरों के एक्सपीरियंस ले करके ही आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी प्लानिंग बनाएं, राइट फ्रेंड्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल योर सम नेगेटिव थॉट्स, राइट फ्रेंड्स. कभी कभी क्या होता है कि हम जब किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, 25% 30% उस रास्ते में होते हैं, तब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं. और ऐसे समय
अपने आप को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन यही है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें इस बात की ज़रूरत है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको आप खुद उनको रेजोल्यूट करिए अपने एंड से, और आप ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए जिससे आपके वो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं इरेडिकेट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, वर्क ऑन योर वीकनेस। राइट फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर जो वीकनेस होती हैं वो हमारे एम को अचीव करने में बहुत बड़ा बैरियर का काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो एम, जो लक्ष्य हमें 1-2 साल पहले मिल जाना चाहिए वो उतना ही डिले हो जाता है, और उसका रीज़न जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पीछे हमारी हमारी वीकनेस होती है, जो जिस पर हमने वर्क नहीं किया होता है, और वो हमारे लक्ष्य को हमसे थोड़ा दूर ही ढकेलती रहती है। राइट फ्रेंड, सो देर इज़ ए काइंड ऑफ द थिंग विच फ्रॉम योर साइड यू विल हैव टू डू दैट, यू विल हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस। राइट फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। कंटिन्यूटी डज मैटर। फ्रेंड्स, जो मैंने कहा है ना, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूटी डज मैटर। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब स्लोली स्लोली, ऐसा भी लोग कहते हैं, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन इन द सेंस डू द सम मूवमेंट इन योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं आपको एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। अगर कंटिन्यूटी छूट जाती है तो वो आपको कहीं ना कहीं भटका सकती है अपने लक्ष्य की तरफ से। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट मोटिवेट योर सेल्फ टाइम बाई टाइम और रेगुलर बेसिस। फ्रेंड्स, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, या फिर कोई वीडियोज, कोई भी वीडियो देखिए, कोई भी आर्टिकल पढ़िए, या कोई भी जो अपने आस पास कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए। मतलब मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मोटिवेशन लाइफ से चला गया या मोटिवेशन नहीं रह गया आपके में, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। सो अपने आप को मोटिवेट करते, मतलब रेगुलर बेसिस पर करते रहिए मोटिवेट, जिससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसी एनर्जी के साथ बढ़ते जाएंगे, उसी फुल फ्लो के साथ बढ़ते जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। स्ट्राइक योर स्पीड सम स्लो और एवरेज। राइट फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग करी होती है हम लोगों ने, सो क्या होता है, हम बहुत स्पीड में सोचते हैं कि बहुत जल्दी हम कर लें, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, एक एवरेज स्पीड, एक या फिर थोड़ा सा स्लो मोशन में आप काम को शुरुआत करिए। कम से कम आपने क्रिकेट में देखा होगा, जब स्टार्टिंग की जाती है तो अगर जो टेस्ट मैच होते हैं या जो आपके वनडे भी होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको टिक कर खेलना होता है, आपको थोड़ा रुकना होता है वहाँ पर, और इसी तरह आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। थोड़ा सा अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्ट्राइक करिए अपने आप को, एक एवरेज स्पीड से आप आगे बढ़िए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब हम बहुत सोचते हैं स्पीड में, तो क्या होता है कि विकेट जाने के जैसे क्रिकेट में चांसेस होते हैं, तो यहाँ भी क्या होता है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर एक होपलेसनेस भी आ जाए उस बीच में, इसलिए इस पर भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, वन ऑफ द स्टोरी विच आई हैव इन माय माइंड दैट टॉट, जो आपका टॉर्टॉइज और हेयर की स्टोरी है, कछुआ और खरगोश की, यही है कि जो कछुआ था वो धीरे 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 अपनी लक्ष्य थे की तरफ बढ़ता रहा, और जो खरगोश था वो एक जगह रुककर रेस्ट करने लगा, रिलैक्स करने लगा, और उसमें क्या हो गया कि जो कछुआ था, टॉर्टॉइस था, वो जीत गया। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये बहुत बचपन में हम लोगों ने बहुत, जब छोटे थे तब ये स्टोरी हम लोगों ने सुनी थी। सो वही फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ के लिए।
बहुत ही एवरेज मोशन में आगे बढ़ना है आपको। हो सकता है कुछ छोटे छोटे काम करने पड़े उस लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन आपको अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट रखना है, क्योंकि लक्ष्य आपका है। जैसे पहाड़ पर जब चढ़ना होता है, आपको बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होता है, तो आपको क्या होता है, झुक के चलना होता है, थोड़ी स्पीड आपको स्लो करनी होती है। आप उस तरह नहीं रन कर सकते हैं जैसे प्लेन पर रन कर सकते हैं। प्लेन इन द सेंस जहाँ पर कुछ नहीं, सड़क पर जिस तरह आप चल सकते हैं उस तरह पहाड़ पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उसकी हाइट होती है और उसको बहुत ही उसकी भी एक टेक्निक है, उसके थ्रू आपको जाना होता है बहुत ही स्लो मोशन में और बहुत ही झुक कर। तो इस तरह अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है, हाई है, तो आपको बहुत ही हम्बल होकर आगे बढ़ना होगा, बहुत ही पोलाइट वे में अपने आप से भी पोलाइट रहना होगा, और एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे प्लानिंग के साथ आप अपने आप को जबरदस्त बनाइए, मोटिवेट करिए और आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो मैं संदीप कुमार वैश्य इन्हीं बातों के साथ आपसे बाय बाय कर रहा हूँ, टाटा कर रहा हूँ, और फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ आपको मोटिवेट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप एज ए नोटिफिकेशन यू विल गेट इट, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस की। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा जाके, जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, लाइफ में मोटिवेट रहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका लक्ष्य डिले होता जाएगा, उतना ही डिले होता जाएगा जितना आप इधर उधर के प्लेजर में पड़ेंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, देखिए आपका लक्ष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।